संसद ने शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार से भिड़ा, सदन ने किया हंगामा। कृषि कानून वापस होने के बाद किसान संगठनों ने आज बुलाई आपात बैठक, 42 किसान संगठन होंगे शामिल, हरियाणा और पंजाब के किसानों की बैठक जारी, खत्म हो सकता है आंदोलन। वहीं किसानों की आपात बैठक के बीच केंद्र ने जारी किया बयान, कहा MSP पर हर तरह की चर्चा के लिए तैयार, संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 लोगों के नाम। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज, शीतकालीन सत्र में आने वाले बिलों और रणनीति पर होगी चर्चा। BSF के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई, कहा पराक्रम, समर्पण और साहस का उत्कृष्ट उदाहरण है BSF। महाराष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव, पॉजिटिव मिले मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। अर्थव्यवस्था क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत, GDP 8.4% बढ़ी, पिछले साल 7.4% थी GDP। अमेरिका के मिशिगन में छात्र ने की स्कूल में फायरिंग, 3 लोगों की हुई मौत, कई घायल। IPL 2022 के लिए सभी टीमों ने जारी की रिटेंशन लिस्ट, धोनी, कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा को किया गया रिटेन, राशिद खान, वार्नर, पांड्या और धवन को किया गया रिलीज। और तेलुगु गीतकार सीताराम शास्त्री का कैंसर से निधन, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राजनेताओं और फिल्म स्टार्स ने जताया शोक।